हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं श्रवण। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए आया हूं बहुत ही पावरफुल एचएफ ड्राइवर्स, जो कि आप कहते हैं कि भैया सबसे पावरफुल वाला एचएफ ड्राइवर हमें दिखा दीजिए, हमें मोबाइल डीजे में लगाना है, हमें डीजे पे लगाना है, हमें यहाँ लगाना है, हमें वहाँ लगाना है, मतलब कान जो वो बिल्कुल थर्रा जाए, ऐसा वाला जो एचएफ है वो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये कौन सी कंपनी के साथ आता है, इसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे, क्या है क्वालिटी टेस्टिंग देखेंगे, और मैं आपको इसको SPL डेबी मीटर से भी चेक करके दिखाऊंगा। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इन दोनों HF को, और यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सोवर सी पैकिंग है, वाइट कलर की कोई भी ब्रांडिंग आपको नहीं देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं हमारे छोटे वाले HF को, जो कि कुछ इस टाइप की बॉक्स पैकिंग के साथ में आता है। तो इनका जो मॉडल नंबर है वो भी मैं आपको लास्ट तक बता दूंगा। यहीं पर आप देख सकते हैं हमारे बड़े वाले HF को, तो यहाँ पे ये बड़ा वाला HF आ जाता है। इसके साथ में दोस्तों आपको एक चीज़, यहाँ पे जो नट बोल्ट्स हैं यानी फ्लेयर में आप टाइट करने के लिए, वो आपको मिल जाते हैं। डिटेल देखते हैं बाकी हम। तो दोस्तों अभी आपको देखने को मिलाते हैं ये दोनों हमारे HF। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे HFN42T से। तो ये 8 ओम्स के अंदर है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं 8 और 16 का, यानी ओम्स में आप ये देख सकते हैं। ये आता है इसका न्यूडियम मैग्नेट। अगर मैं इसकी फ्लेक्स डेंसिटी की बात करूं तो यहाँ पे ये है 2.0, और यहीं अगर मैं बात करूं इसका जो डायफ्राम है उसका साइज़ है 204 इंच का यूज़ करा हुआ है। यहीं अगर मैं बात करूं उसका मटेरियल यानी डायफ्राम का जो मटेरियल है वो टाइटेनियम यूज़ करा गया है, एल्युमिनियम नहीं है, इस बात का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे बाकी आप देख सकते हैं ये इसकी जो पावर रेटिंग है वो है 220 वाट, यानी 220 वाट इसकी RMS पावर है, जो कि इंडिया के किसी भी HF में आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वोल्टेज का भी आपको ये HF देखने को मिलता है। यहीं अगर मैं बात करूँ हमारे HFN32T की, तो ये भी दोस्तों यहाँ पे आपको 3 इंची डायफ्राम के साथ मिल जाता है। अगर मैं इसकी पावर रेटिंग की बात करूँ तो 150 वाट यानी 150 वाट का आपको मिल जाता है। यहीं अगर मैं बात करूँ इसका भी फ्लक्स डेंसिटी की, तो ये दोस्तों आपको 2.0 मिल जाता है। ये भी मीडियम में है दोस्तों, तो आप इसकी क्वालिटी को देख सकते हैं। यहाँ पर बाकी टर्मिनल सॉकेट्स की क्वालिटी को आप यहाँ पर जान सकते हैं। यहीं अगर मैं बात करूँ उसकी SPL की, तो ये 109 dB। यहीं अगर मैं बात करूं हमारे 42T के, तो ये आपको 111 dB दे देता है। और दोस्तों इसके अंदर भी आपको जो है वो ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी 8 और 16 ओम का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि भी आपने देखी HF की क्वालिटी, और यहाँ पे अभी टाइम आता है इसकी आउटडोर टेस्टिंग का, तो मैं आपको जो है वो टेस्टिंग आउटडोर में दिखाता हूँ। एक में अभी हम यहाँ पे फ्लेयर इसके अंदर लगाएंगे, वो कैसे लगा रहे हैं वो भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। यहीं पे दोस्तों जो है वो हमारा HFF32T, जो कि अभी यहाँ पे हमारे फ्लेयर लगने के लिए रेडी है। तो ये फ्लेयर हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप से जो है वो फिट होगा। फिट करके मैं दिखाता हूँ, उसके बाद मॉडल यहाँ पे है 32T। तो ये आप देख सकते हैं, अभी इसको हम डायरेक्ट चेक करेंगे बिना नेटवर्क प्लेट के, और फिर हमारे जो होगा वो 42T को भी एक बारी बिना नेटवर्क के चेक करेंगे, और एक बारी फिर इनको नेटवर्क के साथ भी चेक करके देखेंगे। तो आपको जो क्वालिटी है वो कैसी आ रही है डायरेक्ट और नेटवर्क के साथ, वो भी पता लगती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो टेस्टिंग है हमारी 32T के, वो हम देखेंगे, और यहाँ पर फ्लेयर के साथ टाइट कर चुके हैं। एक बारी डायरेक्ट बजाएंगे और एक बारी विद नेटवर्क बजाएंगे। मेरे हाथ में है SPL DB मीटर, जो कि आप देख सकते हैं, इससे मैं जो है वो आपको SPL भी चेक कराऊंगा। तो चलते हैं यहाँ से, फिर अभी हम टेस्टिंग देखते हैं। यह है दोस्तों इसका मैक्स XPL DB, जो कि आप अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, और चलते हैं कुछ और टेस्टिंग देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ विद नेटवर्क की, तो बेसिक सी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, कोई महंगा नहीं है, बिल्कुल सस्ता वाला जो नेटवर्क प्लेट है वो यूज़ कर रहे हैं हम इसके साथ। तो ये आप देख सकते हैं ये इनपुट आई है यहाँ, और ये गई है आउटपुट इसके अंदर। और अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ विद SPL DB मीटर के साथ।
और दोस्तों ये था विद नेटवर्क प्लेट का स्पीड जो कि मैक्स यहाँ पे भी काउंट हुआ है, ऑलमोस्ट 116 है और देख सकते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारा वक्त आता है 42T को चेक करने का। तो यहाँ पे भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, जैसे मैंने बताया था बिल्कुल सस्ती वाली नेटवर्क प्लेट है। और इसके साथ हम फ्लेयर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को आपको डायरेक्ट क्वालिटी सुनानी थी। तो अभी जो है वो SPL इसका भी चेक करवाऊंगा। चलिए यहाँ से फिर हम प्ले करते हैं। और और अब हम गाइस लेते हैं यहाँ पे टेस्टिंग विदाउट नेटवर्क जो कि डायरेक्ट है, ये देख सकते हैं डायरेक्ट है और इसको भी विदाउट फ्लेयर के चला रहे हैं। और स्टार्ट करते हैं। कैसे लगी टेस्टिंग? मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा। और जो साउंड थी दोस्तों वो बिल्कुल स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड थी, यहाँ पे लाउडनेस था लेकिन जो कान में अगर आप HF जो सुनेंगे चाहे वो 110 वाट का हो या नॉर्मल मार्केट का जितने भी वाट का HF हो वो आपके कानों को लगती है। उसमें क्या रहता है कि वो साउंड जो होती है वो क्लियर या फिर कह लीजिए वो अच्छी साउंड नहीं होती, वो कान में चुभने वाली होती है। यहीं पे अगर आप 220 वाट का भी अगर आप HF सुनेंगे ना NLabs का तो यहाँ पे आपके कान में ये चुभेगी नहीं, ये बिल्कुल स्वीट साउंड होती है। और सबसे अच्छी बात है कि ये आपको न्यूडियो में मिलता है तो लाइट वेट रहने वाली है। आप इसके साथ यानी आप पूरा अगर मोबाइल डीजे में इसको यूज़ करना चाहते हैं, एक पूरा बॉक्स बनाना चाहते हैं HF का तो आप बना के यूज़ में ले सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वाला जो आपको मॉडल मिलता है तो ये आप इसको लाइनरी में यूज़ करिए या फिर आप इसको यहाँ पे टॉप में हो गया या फिर किसी भी जगह पे 150 वाट का है तो ये आपके मल्टीपर्पज़ यूजेस के लिए हो जाता है। बाकी दोस्तों ये वाला जो HF है वो इंडिया का अभी तक का सबसे पावरफुल HF है। इस यानी इस स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया में कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरर नहीं है मेरे तो मतलब मेरे नज़रिए में तो ऐसा कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है जो इस स्पेसिफिकेशन वाला HF बना के आपको दे। बाकी दोस्तों आपको कैसा लगा ये HF मेरे लिए वो मैंने रखता तो प्लीज़ नीचे कमेंट बताना। अब बात करते हैं इनको परचेज करने के लिए। दोस्तों ये शोर होगा HVN कंपनी गुजरात महुआ में, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी शोर होगा तो यहाँ से जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी और आपको अगर डिटेल चाहिए हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।